हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना लॉकडाउन के मज़े ले रहे होंगे। और इसी मज़े मज़े में आज हम चैप्टर 10 करेंगे। ये चैप्टर मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में लाइट है ये चैप्टर, और इसमें दो पार्ट्स में ये डिवाइड है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। मेरी जो पहले की वीडियोज़ हैं उसमें हमने रिफ्लेक्शन को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, और अगर आपको वो वीडियोज़ देखनी है, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आपको एक बार उनको भी देखना पड़ेगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितना भी कुछ हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, इन सब के नोट्स भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ चैप्टर 10, लाइट। लाइट मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी कि एक फॉर्म होती है एनर्जी की, ठीक है? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस द पावर ऑफ विजन। मीन्स कि लाइट की वजह से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब रिफ्लेक्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है, रिफ्रैक्शन। जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इट मीन्स कि कोई रे किसी सरफेस पे पड़ रही है और वो बाउंस बैक करके वापिस जाती है, ठीक है? लेकिन अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई रे आती है बट वो मीडियम को क्रॉस कर जाती है। जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसमें हम मीडियम लेते हैं, स्पेशली हम दो मीडियम्स के बारे में पढ़ते हैं, एयर और ग्लास। कोई भी दो मीडियम आप ले सकते हैं। सो रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। इट मीन्स कि तिरछी एक लाइन, कोई भी रे है जो कि स्लांट सरफेस पे आ रही है या थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, और जब वो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये एक डेफिनेशन है। उसके अलावा जो डेफिनेशन है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। दोनों सेम ही बातें हैं। अगर डायरेक्शन लाइट की चेंज होती है या जो रे है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसे भी हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई भी लाइट बैंड करके एंटर कर रही है, तो उसे भी रिफ्रैक्शन कहते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि अभी देखिए हमने ये चीज पढ़ी है कि रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ होता है, तो अब ये होता क्यों है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज हो जाती है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट बात करें एयर या वैक्यूम में, वैक्यूम और एयर दोनों में सेम लाइट होती है, 3 × 10²⁰ मीटर/सेकेंड। अब ये जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है वन मार्कर, और इसे आपको लर्न करना है कि अगर कॉजेस पूछे जाए कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो उसकी वजह है स्पीड ऑफ लाइट में किसी टाइप का चेंज आना। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट में किस तरीके से चेंज आता है। अगर हम लाइट की बात करें तो या तो वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है। तो हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक एकदम नया सा वर्ड होगा, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको दे रखी है, जब कभी भी कोई भी चीज रेयरर होती है तो इट मीन्स कि जो आपको दो मीडियम्स दे रखे होंगे उनमें से जिसकी लोअर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको अभी हम कवर करेंगे, बट पहले अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों रेज में से या दोनों मीडियम में से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और रे जिस साइड जाएगी उसे रेयरर बोलेंगे, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उस मीडियम को हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा है ये हमारा नॉर्मल एक्सेस है, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम को डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो मीडियम है वो आपका रेयरर मीडियम है, नीचे आपका डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल टू द प्लेन। अब यहाँ से एक रे आती है जिसको आप इंसिडेंट रे बोलेंगे। अगर हम देखें तो इस रे को इस तरीके से इसको क्रॉस करते हुए पास करना चाहिए एकदम स्ट्रेट लाइन में, बट अगर हम देखते हैं कि टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन है तो इसमें ये लाइन ऐसे पास ना करके थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करेगी पहले की साइड। देखिए अब यहाँ पे जो ये मैंने डॉटेड लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए, बट ये रिफ्रैक्शन की वजह से डेंसर मीडियम था नीचे, तो इस वजह से ये थोड़ा अंदर की साइड नॉर्मल की साइड में ये थोड़ा सा हो गई है, तो इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। वहीं हमारा दूसरा केस है,
ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, नीचे वाला मीडियम हमारा रेयरर मीडियम है। इसमें भी सेम आपकी इंसिडेंट रे है, ये आई है और इसको इस तरीके से आना चाहिए था, बट ये रे भी ऊपर की साइड जो आपका ये जो प्लेन है इसकी साइड चली जाएगी। अब आप इन दोनों केसेस में देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन सेम है, बट दोनों केसेस में रिफ्रैक्टेड रे की डायरेक्शन जो एक्चुअल में होनी चाहिए या जो पाथ बनना चाहिए उसके अलावा दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। सो अगर कोई भी रे ट्रेवल करती है रेयरर टू डेंसर, तो नॉर्मल पे जब वो कभी भी नॉर्मल की साइड होगी तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। और अगर दूसरा केस है आपके पास, अगर आपका जो मीडियम है डेंसर टू रेयरर मीडियम है, तो वो आपके नॉर्मल से अवे बैंड करेगी। अब वो जो हमने अभी तक पढ़ा वो था हमारा रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिन एग्जांपल्स में या जिन फिनोमिनास में हमें पता लगता है कि हाँ यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल है, फर्स्ट है आईज, फिर बायनोक्यूलर। बायनोक्यूलर का मतलब होता है दूरबीन। हमने देखा है कि दूरबीन का यूज़ हम करते हैं जो दूर डिस्टेंस पे चीज़ें होती हैं उनको पास देखने के लिए। उसके अलावा रेनबो की फॉर्मेशन आपने देखी है, कैमरा लेंसेज हैं, लाइट बेंडिंग इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट डिसलोकेशन इन वाटर, लेटर्स ऑफ अ बुक अपीयर्स टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इसका मतलब है कि आपने देखा है कि अगर हमने कोई पेपर है उस पर हमने कोई लेटर्स लिखे हुए हैं, कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ है, ए बी सी डी या कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप ग्लास स्लैब लगा देते हैं, मीन्स कि कांच का एक टुकड़ा आता है ये, अगर आप इस स्लैब को लगा देते हैं तो जो आपको अल्फाबेट्स नीचे होते हैं या लेटर्स जो लिखे होते हैं वो आपको थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपने एक टब है या फिर कोई मतलब सरफेस है जिसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है, कोई भी ऐसा कंटेनर है, उसमें अगर आप पेंसिल डिप करते हैं तो आपको पेंसिल की जो टिप होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रिफ्रैक्शन के, मींस कि एक्चुअल में जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें थोड़ा सा वो लार्ज साइज में या फिर उसका पाथ अलग दिखाई देता है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आपको गिवन है तो उसमें रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है KLMN, आप कोई भी यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हैं। अब इसमें जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं या फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो उसमें होता क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, मीन्स कि जो लाइट है वो बाउंस बैक कर जाती है। रिफ्रैक्शन एज इट इज वही होता है जैसे कि हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसमें आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे रखा है KLMN। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, ये हमारी इंसिडेंट रे है, अब इसे ऐसे एज इट इज सीधा एकदम पाथ बनाना चाहिए। जो इमेजिनरी डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये वो लाइन है जो इसका पाथ स्ट्रेट बताती है हमें, बट अब इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर देखें तो ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मैंने जब आपको पीछे रूल्स पढ़ाए थे तो उसमें रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम था, तो ये नॉर्मल की साइड आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये थोड़ा सा इस साइड पे हो गई। जब इस तरीके से फॉर्मेशन हुई तो हमारे एंगल्स बनते हैं, ये एंगल आई है आपका और ये ओरिजिन पॉइंट है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, और रिफ्रैक्टेड का एंगल आर बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे बी और सी के बीच का जो है, ये दोनों पॉइंट्स पे ये दोनों लाइंस मीट नहीं करेंगी, तो ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है इसको आपने डी दिया, और यहाँ से जो हमने लाइन रिफ्रैक्शन जब यहाँ पे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे आई, तो उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने जब एक अलग से लाइन ड्रॉ करी उसको आपने एमर्जेंट रे नाम दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए लाइट रे चेंजेस इन डायरेक्शन एट ओ एंड ओ डैश, ये आपकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई थी ओ पे और यहाँ पे चेंजेस हो गए इसके ओ डैश पे, ठीक है। पॉइंट एट इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, अब ये आपका ग्लास स्लैब था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए किस तरीके से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड हुई है और कब एंगल इंसिडेंस बना या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस टाइम पे बना। अब देखिए अगर हम इस ग्लास स्लैब की बात करते हैं तो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, इट मीन्स कि जो आपको ग्लास स्लैब गिवन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। दूसरी चीज थिकनेस, थिकनेस की ये ग्लास की थिकनेस कितनी है, जो किस पे डिपेंड करती है, एल और एम पे। यहाँ पे आपको साइजेस दिख रहे हैं एल और एम, के एन, तो ये बताता है कि इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है। तो ये इन दो चीज़ों पे जो आपकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड करती है। नोट में देख लीजिए एक बार,
When a ray of light is incident normally to the interface of two medium, it will go straight without any deviation. अगर कभी भी कोई भी लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मल पर, तो अगर उसमें दो मीडियम होंगे तो वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी. जैसे आपने देखा यहाँ पे इंसिडेंट रे से ये पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन में आ रही है. अब जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने लॉस पढ़े थे, तो ऐसे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं. तो अगर रिफ्लेक्शन आपको याद हो तो उसमें होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं. कुछ ऐसा सा इसका फर्स्ट लॉ होता है, द इंसिडेंट रे मीन्स कि आई एंड द रिफ्रेक्टेड रे मीन्स कि जो एंगल आर बनेगा, एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये जो मैंने आपको ग्लास स्लैब वाला एग्जाम्पल दिया था या उसको एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज बोली है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल टू द प्लेन. अगर आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीन्स कि एक रेयर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है, तो उस टाइम पे ये सारा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा ये सब के सब एक सेम प्लेन में लाई करेंगे. बट जब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक नया लॉ आता है जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं, या फिर साइन आई अपॉन में साइन आर. ये इसकी इसका सिंबल है या इसकी आइडेंटिफिकेशन है. स्नेल्स लॉ का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइन एंगल. ये देखिए साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई आपका इंसिडेंस के लिए होता है, आर आपका रिफ्रेक्शन के लिए होता है. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ आई इंसिडेंस साइन ऑफ एंगल ऑफ आर रिफ्रेक्शन इज कॉन्स्टेंट. ये इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट. अब जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आर है वो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो अभी देखिए, फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ. जो आपको दो मीडिया दे रखे हैं या दो मीडियम दे रखे हैं, रेयरर एंड डेंसर मीडियम, तो उसमें आपके दो एंगल्स बनेंगे, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन. अगर हम रिफ्लेक्शन को इससे कंपेयर करते हैं तो उसमें आपका एक एक प्लेन होता है सरफेस, उस पर यहाँ पे नॉर्मल होता है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, देन रिफ्रैक्ट हो जाता है. बट अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा दो मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, जिससे एक मीडियम से रे पास करते हुए दूसरे मीडियम को क्रॉस करती है. जब आप कॉन्स्टेंट आर की बात करते हैं तो वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है. फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. इसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, देखिए साइन आई अपॉन में साइन आर, आपका एन टू मीन्स की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा सेकेंड मीडियम का, और एन वन मीन्स की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट वन का, तो एन टू वन. वहीं अगर आपका ऑपोजिट केस बनता है एन वन टू, तो आपका वन ऊपर आ जाएगा और टू नीचे आ जाएगा. सो वेयर टू इज फ्रॉम द सेकेंड मीडियम एंड वन इज फ्रॉम द फर्स्ट मीडियम. ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इस कंसेप्ट में कन्फ्यूजन हो जाती है कि कब वन पहले आएगा कब टू. यहाँ वन और टू की बजाय आप जो मीडियम्स होंगे आप वो भी लिख सकते हैं, कि अगर आपका गैसेस मीडियम है वो लिख सकते हैं, या फिर एयर है और ग्लास है तो आप एन और जी भी ले सकते हैं, या ए और जी भी ले सकते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे. स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू.